बीजेपी नेताओं द्वारा कभी कभी ऐसी बयानबाजी सुनने को मिल जाती है जिसमें उनके पार्टी की विचारधारा देखने को मिल जाती है। हमारा कहने का मतलब पार्टी की उस विचारधारा से है जिसमें कभी कभी बीजेपी का झुकाव एक खास समुदाय के प्रति अधिक होता है। हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी सांसद रवि किशन की, जिन्होंने हाल ही में बयान दिया कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। रवि किशन ने कहा कि हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ है तो जाहिर है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि अगर मुस्लिम और ईसाई के देश हो सकते हैं तो हिंदू देश क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि यह बड़े गर्व की बात है कि देश 100 करोड़ हिंदुओं का एक स्थान है जिसको विश्व जानता है और आज भारत का सम्मान पूरे विश्व में है। indiatvnews.com पर छवि खबर के अनुसार उन्होंने कहा, बहुत सारे मुस्लिम और ईसाई देश हैं, इसलिए यह अद्भुत है कि हमारे पास अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए भारत नाम का एक देश है। आपको बता दें कि इन दिनों नागरिकता संशोधन बिल चर्चा में है, जिस बिल के अनुसार एक समुदाय को छोड़कर बाकी समुदाय को देश की नागरिकता देने की बात की गई है। नागरिकता संशोधन बिल को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, वहीं इसको लेकर विपक्ष भी मौजूदा सरकार पर निशाना साध रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि यह बिल देश को इजराइल बना देगा। इसके अलावा उन्होंने मीडिया रिपोर्ट के सही होने की सूरत में यह भी कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट पूर्वोत्तर राज्य को इस बिल में छूट मिलने की बात कह रही है तो यह बिल संविधान के आर्टिकल 14 का विरोध करता है जो समानता के अधिकार की बात करता है। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने नागरिकता संशोधन बिल को असंवैधानिक बताया है, साथ ही कहा कि यह भारत के मूल विचार का उल्लंघन करता है। थरूर ने संसद परिसर में मीडिया से कहा, मुझे लगता है यह विधेयक मौलिक रूप से असंवैधानिक है क्योंकि इसमें भारत के मूल विचार की अवहेलना होती है। बीजेपी सांसद का बयान ऐसे समय पर आया है जब विपक्षी पार्टियों द्वारा विरोध जताते हुए कहा जा रहा है कि इस बिल से मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।